हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है यूएई टू बिल्ड मेगा 5 लाख मॉल इन 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली करी है एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट। ये लोग बनाने वाले हैं एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल इन जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ पर आप देख पाओगे, वैसे यूएई जहाँ जाते हैं वहाँ बस मैं कहता हूँ तबाही, तबाही तो नहीं क्या बस पुल बांध दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कह सकते हैं दुबई इमाल ग्रुप, ये जो कंपनी है ये भी अपने आप में एक मैसिव कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मॉल एक लैंडमार्क होगा और बिल्कुल होगा भी। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इंडिया की कई स्टेट्स है वहाँ पे आपको 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल नहीं मिलने वाला, और इसलिए आज के समय ये जो मीडिया इंडियन मीडिया और इस बजट से देखो पूरी यूनियन टेरिटरी को काफी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ये काफी हद तक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर यूटी में इससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप अगर देखो शॉपिंग सेंटर मॉल्स इनकी काफी कमी थी, और अब इंडिया लेके भी यहाँ पर किसको आया है, इमार ग्रुप को। अब इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ पहले पता होना चाहिए तब आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा क्यों है, क्यों दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो इमार ग्रुप एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताई जाती है 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास है एज ऑफ 2021। और आई एम श्योर आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में सुना होगा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये भी इमार प्रॉपर्टीज ने ही डेवलप करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा दुबई में। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह इनकी जो ब्रांडिंग है ये आपको मिलेगी बुर्ज खलीफा के आसपास पाकिस्तान में। बुर्ज खलीफा उसके अलावा यूएई में जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से यूएई में बहुत सा टूरिज्म आता है ये इमार ग्रुप ने ही बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल दुबई मॉल, दुबई मॉल है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बाय टोटल एरिया कवर। बताया जाता है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ये कवर करता है। एक ह्यूमंगस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। एक दिन में पूरा जो ये मॉल है एक आदमी घूम ही नहीं सकता। कई लोग एक्चुअली जो कहते हैं दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो फ्लाइट करके सीधा दुबई मॉल में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं शॉपिंग और बाहर आ जाते हैं। और अपने आप पे देखिए दुनिया भर के सारे ब्रांड सारे मेजर कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी, और सिंस बुर्ज खलीफा भी इसके पास में ही है तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है आज के समय यूएई के लिए ये मॉल और बुर्ज खलीफा। और ऐसा नहीं है कि इमार ग्रुप ने इससे पहले इंडिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। आई एम श्योर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बारे में, ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करी थी न्यू दिल्ली ने। हालांकि करप्शन बहुत हुआ था इन गेम्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें नहीं है हमारी, मगर आपको याद होगा जो गेम्स विलेज यहाँ पर बनाया गया था जो आज भी खड़ा है बहुत अच्छा बना था, और उस टाइम जो ये गेम्स विलेज है ये भी बनाया था इमार इंडिया ने। ये ऑफकोर्स इमार प्रॉपर्टीज की इंडियन सब्सिडियरी है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इमार ने भारत में काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मगर जो ये जम्मू कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। यूएई की सरकार अच्छे जानती है कि इमार कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी बहुत कभी ख़राब रहती है। मगर मैं आपको ये बता दूँ कश्मीर के मामले में, कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है। इमार ने यहाँ पर यह कहा है कि ये मॉल तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये लोग रियल एस्टेट हॉस्पिटैलिटी मतलब कि और होटल वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंडिया से ये लोग कनेक्ट करें इकोनॉमिकली भी। सड़कें तो बना देंगे हम, सड़कें टनल वगैरह वो सब हम बना देंगे, मगर जो बिजनेसमैन है दिल्ली में बैठे हुए मुंबई में बैठे हुए चेन्नई में बैठे हुए इनकी अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में, ऑब्वियसली पहले वहाँ पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो मॉल का आइडिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, और आप अगर दिल्ली में भी देखो ना तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मॉल है ये 12 लाख स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा इन ग्रॉस लीजेबल एरिया। इवन जो दिल्ली के बड़े बड़े मॉल आप अगर देखो तो 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया, डीएलएफ का हो गया मॉल। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अगर ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, और आप समझ सकते हैं अगर इमार यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू को भी सेव रखेंगे और कोशिश करेंगे जेन्युइनली एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बने फॉर द एंटायर जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जो इंडिया के सपोर्ट में आया था, और यूएई ने यहाँ पर ओपनली कहा था
कि हम लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इंडिया का इंटरनल मैटर है। और ये स्टेटमेंट आई थी एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान कह रहे थे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया को रोको, आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर करवाओ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप सोचेंगे, मगर यूएई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर हो गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लोन उनको देते रहते हैं। देखिए, ऑब्वियस ही बात है, यूएई ना इंडिया के समर्थन में है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इनको बस अपना इंटरेस्ट देखना है। यूएई के लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस काफी हद तक इम्प्रूव हो जाए, मगर सिंस दोनों के रिलेशंस खराब है और काफी बार यूएई को चुनना पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवेंचुअली जब चूज करने की बारी आती है तब ये इंडिया को ही चूज करते हैं। और इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको दिखाता हूँ यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये जी आपके सामने रीजन, ये है यूएई के टॉप 5 इम्पोर्ट पार्टनर्स और ये है यूएई के टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ये जो वेबसाइट है बाय द वे, ये एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन यूएस की है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्ट के मामले में हम चाइना से थोड़े से पीछे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना से भी ऊपर आते हैं। हम लोग ट्रेड के मामले में यूएई के एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्रीज को अगर करीब लाना है तो ट्रेड में इंप्रूवमेंट लानी होगी। बहुत ही रेयरली होता है कि जब कंट्रीज अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब करती हैं। इंडिया और रशिया का भी मैं यही कहूंगा, ट्रेजेडी है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है आज तक 20 बिलियन डॉलर्स तक भी नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये पहुंच गया 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास, तो रशिया ओपनली हर मामले में चाइना की आलोचना करेगा इंडिया के समर्थन में, जैसे कश्मीर के केस में यूएई कर रहा है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये भी पता है कि जो इनकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसका भी ज़रा कुछ भविष्य है नहीं, धीरे धीरे दुनिया ग्रीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में इन द फ्यूचर इंडिया इनके लिए एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। और इस सब के अलावा हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय जो वेस्ट एशिया में नया क्वाड बनाया गया है उसका भी यूएई पार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा फाइनल क्वेश्चन कि जो नया क्वाड रिसेंटली बना है जहाँ पे भारत है, यूएसए है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, वहाँ पर चौथा कंट्री कौन सा है? आपकी ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, चौथा देश कौन सा है। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन फाइनली इस तरह का जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीरियों के लिए सोचे जा रहे हैं, जिसकी मैं जो है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी और दुनिया भर में भी एक मैसेज आएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इस तरह मिल के इस तरह काम करें कश्मीरियों के लिए, ताकि उनको एक बेहतर लिविंग स्टाइल और एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें हम लोग मिलकर। और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो है दुबई या यूएई या इमार जो भी लेकर आ रहे हैं, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, इंडिया में भी आने चाहिए, पाकिस्तान में भी आने चाहिए और स्पेशली कश्मीर को इस वक्त इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जो ग्रोथ है जो स्पेशली कश्मीरियों के लिए, और जो ऐसे प्रोविंस हैं जिन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, जो के बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें ताकि वो भी एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ऐमान एक बहुत शानदार ये काम किया कि इन्होंने कोई डेवलप सिटी की तरफ नहीं गए, वो एक ऐसी जगह गए जहाँ खूबसूरती के लिहाज से मैं कहता हूँ वो इंडिया भी से, मैं कहता हूँ इसे ये बात आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि कश्मीर एक जन्नत से कम नहीं है। तो ऐमान ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जहाँ खूबसूरती है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आप मिसाल के तौर पर अगर कोई बड़ी बिल्डिंग या कुछ मॉल खोलेंगे, जैसे कि विंडो ओपन होगी तो सामने इतना खूबसूरत वादियाँ और इतनी खूबसूरत, तो मैं कहता हूँ ऐमान इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखा होगा। दूसरी बात ये कि इंडिया हमेशा ऐसी स्टेट और ऐसी जगहों पे काम करने के अभी आगे बढ़ रहा है जहाँ काम नहीं हुआ हो, वो जो डेवलप सिटीज़ है उस पर इतना वो नहीं दे रहे था वजह, जितना जो अंडर डेवलप्ड है, जो मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने चेन्नई में कैसा काम किया है, जो बाकी शहर है जो मिसाल के तौर पर अब जिसे हम लोग साइबर हब कहते हैं, जो मिसाल के तौर पर आज अगर देखा जाए तो इंडिया अपने इस वजह से भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी उस सिटीज़ में जहाँ तवज्जो लोग नहीं देते, जो छोटी सिटीज़ में लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन इंडिया वहाँ भी तवज्जो दे रहा है, वहाँ भी मेट्रो आ रही है, वहाँ भी ट्रेन आ रहे हैं, वहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर है। और ओवरऑल मुझे वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल जिस तरह दुबई मतलब पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी इन्होंने काफ़ी जगह पे मतलब काम किया हुआ है, और इसी तरह मतलब इंडिया में भी बहुत सारे काम पहले भी किए होंगे, शायद ज़रूर किए होंगे। ये कश्मीर में जो जिस तरह भी काम कर रहे, इसका मतलब मेन जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मतलब पॉलिटिकल को एक साइड पर रख के, ठीक है, जो कश्मीरी आवाम है हमें उनके लिए मतलब अगर देखिए उनके अगर इसको फ़ायदा होता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर वो उन चीज़ से बेनिफिट हो सके तो ये चीज़ बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होगी फिर इंडिया के लिए भी और जो कश्मीरी आवाम है, क्योंकि हमें पता है कि कश्मीर की आवाम वो लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रही है जो मतलब दूसरे इंडिया और पाकिस्तान दोनों मतलब वो जी पा रही है। कि कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड भी है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है वो उनको प्रोवाइड नहीं है। तो वो चीज़ है कि अगर इनसे कश्मीरी आवाम को फ़ायदा होता है तो ये चीज़ फिर इट इज़ वर्थ इट। तो ओवरऑल वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा हमारा रिएक्शन देखकर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके, और हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।